बड़ी घोषणा की है। एमपी में 25 दिसंबर को अब तबला दिवस मनाया जाएगा। तानसेन समारोह में सीएम ने ऐलान कर दिया है किले पर आयोजित ताल दरबार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ ही मौजूद हैं। एक साथ 1282 तबला वादक यहां पर स्वरांजलि दे रहे हैं और इस स्वरांजलि के दौरान ही एक बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तानसेन समारोह दरअसल चल रहा है और संगीत सम्राट तानसेन को स्वरांजलि यहां दी जा रही है। तबला वादक एक साथ 1282 तबला वादक यहां पर स्वरांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर एक रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश चल रही है। हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज हो जाए। किले पर ताल दरबार में सीएम शामिल हुए। देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वे भी पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ा ऐलान यहां पर उन्होंने किया है कि एमपी में मध्य प्रदेश में अब हर साल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन तबला दिवस मनाया जाएगा, इस बात का ऐलान। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रिकॉर्ड जो बनाया गया। जोश से हम लोग गुजरात में पहुंच गए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सुबह है उन सबके। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दंतेवाड़ा में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के साथ जो एनकाउंटर हुआ इसमें बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवान जो हैं इन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और ये 3 नक्सली जो मारे गए हैं इनमें नक्सलियों में LOS कमांडर लक्ष्मण कोहरामी भी शामिल है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम शासन की तरफ से घोषित था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद वर्दीधारी 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए। सर्चिंग पर निकले जवानों की सुकमा जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और यही एनकाउंटर हुआ। तुमकपाल और डब्बा कुन्ना के जंगल की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मौके पर बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है और इसके बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्र की सर्चिंग भी जारी रखी हुई है। तो नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर यहां पर हुआ है और जब हमारे जवान डीआरजी और कोबरा बटालियन जो है बस्तर बटालियन उसके जवान जब सर्चिंग पर निकले थे तभी नक्सलियों की वहां पर मौजूदगी थी और नक्सलियों ने वहां फायर किया जिसका जवाब हमारे जवानों ने दिया और एनकाउंटर जो हुआ काफी देर तक गोलीबारी हुई और इसमें 3 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मौके पर जब सर्चिंग की गई तो यहां भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार और साथ ही नक्सलियों का सामान भी बरामद किया गया। दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र के डब्बा कुन्ना में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल मिली है। सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है जिसमें 1.5 लाख का इनामी बताया जा रहा है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाए कि जब नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ हुई तो लगभग आधा घंटा गोलीबारी दोनों तरफ से हुई जिसमें पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है और बहुत सारे नक्सली सामान बरामद किए हैं जिसमें 2 राइफल और जरूरत के दैनिक उपयोग सामान और पिट्ठू जैसे चीज़ें बरामद की गई है। और यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ जो आधे घंटे चली है इसमें 3 नक्सलियों से भी ज़्यादा मारे जाने की खबर है और कहीं ना कहीं जो नक्सली है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, News 18 दंतेवाड़ा। बिलासपुर जिले के कोटा थाने में तैनात एक आरक्षक पर युवक को बेरहमी से पीटने के आरोप लगे हैं। आरक्षक रवि श्रीवास के हमले में कमलजीत अजमानी नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने आरोपी आरक्षक रवि श्रीवास को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है।
तो गंभीर रूप से ये युवक घायल है और आरक्षक के ऊपर आरोप लगा है। आरक्षक का नाम रवि श्रीवास बताया जा रहा है, जिसने बुरी तरह से पीटा है। बिलासपुर के कोटा का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि बिलासपुर में एक आरक्षक पर आरोप लगा कि युवक को बेरहमी से पीटा गया। कोटा थाने में ये तैनात है आरक्षक, और आरक्षक का नाम रवि श्रीवास है, और इसकी पिटाई में कमलजीत अजमानी नाम का युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। बाद में इलाज के लिए उसे बिलासपुर रेफर करना पड़ा है। इधर मामले की खबर जैसे ही एसपी तक पहुंची है, तो एसपी ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लिया हुआ है, और एसपी ने आरोपी आरक्षक रवि श्रीवास को तुरंत रूप से सस्पेंड कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी।